देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये कहीं से भी लड़ना चाहते पहलवान किसी भी पार्टी से, तो इनकी डायरेक्ट एंट्री थी, पर ये अब इनकी मजबूरी लगाइए या कुछ लगाइए, इस तरीके से हालात इस तरीके के हुए। नहीं तो अगर मैं भी तो राजनीति में नौकरी 10 साल में नौकरी छोड़ की, 10 साल DSP जॉब छोड़ के डायरेक्ट आया, तो डायरेक्ट ये भी आ सकते थे। ये नहीं है कि भाई इनके लिए और यही रास्ता था, ये नहीं था रास्ता, तो इनके लिए सीधा था। पर ये सच में कुछ हालात ऐसे बने हैं कि वो जब मुश्किल में, वो बोलते कि मुश्किल में जान आई हुई है, तो नेता लोग होते हैं वो तो होते ही ऐसे हैं, इन्होंने इनको कैच कर लिया और अपनी रोटियां वो इनके ऊपर सेक रहे हैं। हाँ फंसी गए हैं। ये राजनीति के लिए इन्होंने ये नहीं कहते कि हम ये करेंगे फिर राजनीति में आएंगे। ये तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, देश के लिए मेडल जीते हैं। और बस ये कुछ हालात ऐसे बने किसी ने शायद इनको या तो मिसगाइड किया होगा या कुछ है कि भाई इतना लंबा इस तरीके से है। और जो इल्ज़ाम लगे हैं वो चलो अब पहले नहीं तो अब लगा दिए, उसका जो न्यायालय है वो फैसला करेगा, वो हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, सब मानेंगे। और जो भी होना उनके साथ होना है, हम तो इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। देखिए मेरे को नहीं पता, पर एक चीज़ मेरे बिल्कुल समझ में फिलहाल आ रही है कि आज के टाइम में बिल्कुल राजनीतिक रूप से इसको भूपेंद्र हुड्डा जी और राहुल गांधी अभी गए हैं, इन्होंने पूरी तरीके से ये राजनीति रूप ले लिया है और ये पूरी राजनीति करी है। और पीछे आपने धरने में भी देखा होगा कि इनका एक ही टारगेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है और हमें आना है, वो किसी बहन बेटी किसी की भी इज्जत दाव पे लगानी पड़ी लगा देंगे। वो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो ये कुश्ती का भविष्य, ये कुश्ती की इज्जत दाव पे लगा रखी है यहाँ पे, कुश्ती को ख़त्म करने के लिए। इनको क्या मतलब कुश्ती बने ना बने, मेडल आए ना आए, इनको तो अपनी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। और ये कुर्सी की लड़ाई है उसमें हमारे जो जूनियर बच्चे हैं वो घुट उनका दम तोड़ रहे हैं, कुश्ती आज दम तोड़ रही है। देखिए मैं पहले ही दिन जब इन्होंने बोला कि फेडरेशन की गोद में बैठे हुए योगेश, पर मेरा फेडरेशन 2016 रियो ओलंपिक के बाद कोई लेना देना नहीं था। एक बार मैं एक दो बार फेडरेशन में गया हूँ, वो भी मेरे को बुलाया था, किसी बुलाया क्या था, ये जो टाटा मोटर्स का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मुझे ही बुलाया था कि आप आइए इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उससे बात की थी, वो मेरे को भी बोले थे कि बाप को हम इसमें लेंगे ये जो टाटा मोटर्स, फिर मैंने मना कर दिया था, माँ जी मेरे को नहीं चाहिए, जितने भी आप चाहते हो मेरे को 1-2 लाख रुपये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगे एज एडवाइज़र, तो इन बच्चों को दे दीजिए आप जो सब जूनियर के बच्चे हैं 10-10, 15-15 हज़ार, क्योंकि सीनियर पहलवानों की इतने पैसे की जरूरत नहीं होती जितनी सब जूनियर जूनियर के होती हैं, गरीब परिवार से आते हैं। वहाँ पे सुशील भी था, मैं भी था, और ये पहलवान सभी थे, और ब्रजभूषण जी भी थे, और जो टाटा की तरफ से जो डील लेके आए थे वो आशीष चड्ढा वो भी थे। मैंने साफ मना कर दिया था उनको कि मेरे को कैसा भी आपको अगर मेरा सहयोग चाहिए तो मैं वैसे दे दूंगा जी। तो ये चीज़ें थी, और उसके बाद फेडरेशन में मेरा कोई मतलब ही नहीं था, हम तो अपने राजनीति लगाइए या अपने अकेडमी चलाते उसमें था, और इतना जाने के मैं वो आदत भी नहीं है कि किसी के बिना बात किसी के मतलब के आते रहे जाते रहे, कोई काम हो तो फ़ोन कर लिया चले जाए, काम करोगे तो ठीक है बनी तो नहीं कोई बात नहीं। तो हमारी तो ये चीज़ें थी, पर पहले ही दमीरों ने तो मेरे बारे में बोला कि फेडरेशन की गोद में बैठे हैं, हम तो गोद में बैठे नहीं थे, पर हमारे बारे में एज ए एड कमेटी में जब उसमें वो साइड कमेटी में हम आए थे, हमारे बारे में बिना बात का दुष्प्रचार किया गया जो 1% भी नहीं था। कोई अगर सवाल जवाब है तो कोई तो पूछ तो सकते हैं हम आदमी से कि भाई आपने के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ, आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं है। अभी इनको इसमें भी दिक्कत की भाई हमसे पूछी ये बातें, तो ऐसे होता नहीं ना, और जबरदस्ती करके ऐसे है। पर मैं दवा जी बोलता हूँ कि हम किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और खासकर मैंने एक दिन और बोला था कि भाई जब मालिक के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं, रखवाड़े के ऊपर लगते हैं, तो उसको और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो। हमारे हरियाणा में कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने देते कुछ नहीं बचता, हमने तो ये जहाँ तक बोला है, पर इनको अपने अपना काम करना है, उसकी कोई हमें समस्या नहीं है। देखिए सभी का टाइम होता है, मेरा भी टाइम था, सुशील का भी टाइम था, 4 ओलंपिक में खेला सुशील, खेला मेरा ओलंपिक मेडल आया, सुशील के 2 ओलंपिक में मेडल आई, पर एक समय होता है उसके बाद छोड़नी पड़ती है, 1 साल और होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगाइए, 1.5 साल लगाइए। कंपटीशन हमारे देश में भी खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो ये तो नहीं बोलेंगे हम कि भाई इन्होंने आंदोलन इसलिए किया था कि हम हैं, पर ब्रजभूषण तो बोलते हैं कि भाई हमने ट्रायल का जो सिस्टम था वो बदल दिया था कि ओलंपिक क्वालीफाई करने के बाद भी हम ट्रायल लेंगे, एक ट्रायल तो देनी पड़ेगी ओलंपिक क्वालीफाई करने वाले को, क्योंकि आज से पहले तो रूल कमेटी ने बना दिया, जो ये वर्ल्ड कमेटी ने बना दी, पर आज से पहले जिसने भी क्वालीफाई किया है उसी को वो ही गया है भारत की तरफ से, उसी को कोटा मिला है,
और वो तो सब अपने देश के सभी के रूल होते हैं, अपनी फेडरेशन रूल होते हैं। कल को अगर कोई यार वो रहता है फेडरेशन में, वो अपने तरीके से बना सकता है कि भाई हम तो जो पहलवान क्वालिफाई करके आएगा उसी के भेज देंगे, या सबकी बराबर ट्रायल लेंगे, कुछ भी कर सकते हो। अगर उसमें आप आते हो फेडरेशन के अध्यक्ष, हम आते हैं, तो हमारी मर्जी हम किस तरीके से रूल करें। और वो एक पारदर्शिता बरतनी होती है, वो फॉलो करना है, बस उसको वो करेंगे। अब ये नई फेडरेशन आई है, जब बहाल होगी तो ये कुछ करेगी, जिस तरीके से रूल बनाएगी वो सबको पता होना चाहिए कि ये रूल है। पहले भी रूल थे, फिटनेस के आधार पर खिलाड़ी विदेश में ट्रेनिंग करने वो टूर्नामेंट खेलने गए हैं, करंट की परफॉर्मेंस के आधार पर खेलने गए हैं, उसका फायदा इन पहलवानों ने भी उठाया, हमने भी उठाया है, और आगे भी ये चीज़ें होती रहेंगी। बिन ट्रायल आगे पहलवान जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होंगे, देखेंगे फिट है बिल्कुल, कोच की जो कोच लगाइए या सिलेक्शन कमेटी लगाइए, तो देखते हैं कि भैया पहलवान बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है और जरूरत नहीं है इसकी ट्रायल की, सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं।